चलिए रेस्टेंट, तेज आवाज में पैर की आवाज है, मुंह की आवाज नहीं है, ठीक है? अटेंशन रेस्टेंट, अटेंशन प्रे पोजिशन, प्रे स्टार्ट, 1 2 3 राष्ट्रगान एक लाइन में एक साथ तेज आवाज में और पूरा स्टार्ट, 1 2 3 शुभे नावे जागे तब शुभे आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय 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 है। प्लेज पोजीशन स्टार्ट। इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स and sisters, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I place my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. चलिए बाकी सभी नॉमिनेटर आ जाएं। शाबाश, अपने आप से आ जाइए। तेज आवाज में। अच्छा, माय नेम इज सक्कू फ्रॉम फेरिया। क्वेश्चन नंबर 1, कीप क्वाइट, बात नहीं सुने ध्यान से। महासागर, फिर से बोलो। राइट, पास में बोलो माइक के। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान? रॉन्ग, सहारा रेगिस्तान। वही बताया था बेटे, उधर से आवाज आई थी। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे ऊंचा पक्षी? सही जिराफ बोला। हाँ राइट, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ यहाँ पर। तुमने कहा विश्व का सबसे ऊंचा पक्षी। हाँ। पक्षी नहीं, पशु बोलो ना। पक्षी है तो जिराफ पक्षी थोड़ी होता है। सर जी बुक में तो ये लिखा। नहीं नहीं, गलत लिखा है बुक में आपकी बेटे। जिराफ पक्षी नहीं, जिराफ तो पशु है, ठीक है, जानवर है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे लंबी दीवार? हाँ ये सही है, चीन की दीवार। क्वेश्चन नंबर 5, माइक के पास में बोलो, डर क्यों रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे लंबी नदी? अमेजिंग नदी। अमेजिंग नदी बता रहा है ये। और क्वेश्चन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। माय नेम इज मंजू कुमार, माय फादर नेम इज पल कुमार, माय मदर नेम इज गीता देवी। आई रीड इन क्लास 4। गुड बॉय इंग्लिश न्यूज, गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स ऑलवेज हैव मैनर्स व्हेन दे स्पीक टू ईच अदर्स, अदर्स टू डू समथिंग फॉर देम। डू यू वांट टू बी गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स? बहुत सुंदर,
एक सेकंड। देखिए प्यारे बच्चों, आप थोड़ा तेज बोलेंगे तो सब बच्चों को समझ में आएगा, थोड़ी तेज आवाज में बोला करो। अच्छा, माय नेम इज कमल फ्रॉम जोगिटेर, परिश्रम ही सफलता की कुंजी। बहुत सुंदर। माय नेम इज चंदन फ्रॉम जोगिटेर, हेल्थी वेल। इधर आओ चंदन। देखो इनका आज का थॉट ऑफ टुडे है कि हेल्थ इज वेल्थ। अब ये बोल तो दिया इन्होंने हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन पर शूट नहीं कर रहा है ना? ये जो थॉट इन पर शूट नहीं कर रहा है। अपनी हेल्थ ना थोड़ी खाओ पियो, समझ गए? जाओ। बहुत सुंदर बच्चों ने सुनाया। और अब क्लास फोर्थ अन्नु, क्लास फोर्थ अन्नु आई हैं प्लीज़। ये आपको एक सुंदर सी पीटी कराएंगी, उसके बाद कुछ और भी कार्यक्रम हैं आज बच्चों के, कुछ बातें भी बताई जाएंगी आपके लिए आज। इंट्रोडक्शन तो पहले बेटे। माय नेम इज अनु शर्मा, क्लास फोर्थ, रेस्ट 10, अटेंशन। तेज आवाज में बोलना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rest and attention। मैम एक सेकंड। चलिए बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने ईमानदारी जताई, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों में डाउट छिपा हुआ है, क्लियर नहीं बताया। चलो खैर कोई नहीं। अब जो अंकित है उससे गाने गवाए, मुझे पता है। अब थोड़ा सा और कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले फ्राइडे को तो रेनी डे हो गया था, बहुत बरसात हो रही थी, बच्चे कम आ पाए थे, टीचर्स भी कम आ पाए थे, लेकिन आज इस कृपा से मौसम बढ़िया है, धूप भी नहीं है, बरसात भी नहीं है, बादल छाए हुए हैं, ठंडा मौसम है, आराम से आप यहाँ पर यहाँ उपस्थित प्रस्तुत कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा एक छोटी सी बच्ची, न्यू एडमिटेड है, कंचन। कंचन आप मंच पर आ जाएं, और बहुत ही सुंदर पोयम, इसके बाद एक पीटी होगी, फिर एक गाना होगा, फिर एक पीटी होगी, फिर एक गाना होगा। आ जाओ कंचन। अभी नहीं सेट कर लें तो। माय नेम इज कंचन राजपूत। शाबाश। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, फिर भी लड़ने जाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे, अपनी भारत की शान बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया पोयम। और देखो बच्चों का जज्बा देखो, माइक भले खाली माइक रखा हो, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, भले खाली माइक हो तो माइक पे बोलने से अच्छे अच्छे की हवा ख़राब होती है, पैर हिलने लगते हैं ज़मीन के नीचे से, ध्यान रखना। लेकिन आप कमाल देखिए छोटे बच्चों का, इस मंच का कमाल देखिए कि बच्चे आपके कितने बेधड़क बेझिझक बड़े प्यार से यहाँ पर बोल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इधर से बच्चे बातें कर रहे हो बातें ना करें, और हम जिसको बुलाएंगे वही आएगा, आप लोग कमेंट ना करें, आप लोग सलाह ना दें कि हमें किसको बुलाना है, समझ गए? चुपचाप खड़े रहें और पीटी का आनंद लें, गानों का आनंद लें। चलिए अब एक पीटी कराएंगे, फिर इसके बाद अंकित, इसके बाद अंकित तैयार हैं। अंकित का एक गाना है आज, और गाने के बोल हैं, बापू हमारे छोड़ चले हमें किसके सहारे। अभी ताली नहीं, इससे पहले एक पीटी होगी, पीटी के लिए आ जाएं। बहुत ही सुंदर, भैया जी चलिए मैं निवेदन करता हूँ अपने स्टाफ से कि थोड़ा लाइनों में ध्यान रखें, बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, ये लोग बात ना करें, लाइनें सीधे रखें, एक जगह खड़े ना हो, थोड़ा चहल कदमी करते रहें, इससे बच्चे शांत रहें। चलिए अब आ जाएं पीटी के लिए,
मंतशा आई हैं आज? मंतशा आई हैं? चले शबनम आ जाएं, बहुत जल्दी आवे, सुंदर सी पीटी कराएंगी। और बहुत ही होशियार है बच्ची, पढ़ने में रोज़ स्कूल आती है, बहुत आज्ञाकारी है और धन्यवाद की पात्र है ये। इंटर मत दो, सीधी पट्टी कोई करा दो, तेज आवाज में। बहुत सुंदर। अब आता है अंकित आ जाओ, शाबाश। एक मिनट आगे बढ़ो, जा सेट तो कर ले पहले तुम्हारा माइक। बढ़िया सुनाना, अच्छा पहले इंट्रोडक्शन दो अपना। माय नेम इज अंकित मौर्य फ्रॉम चंदूर कालियान। बहुत सुंदर। बापू हमारे जग के सितारे, छोड़ चले हम इनके सहारे। जब बापू का जन्म हुआ तो सारी दुनिया हंसने लगी। बापू हमारे जग के सितारे, छोड़ चले हम इनके सहारे। जब बापू को गोली लगी तो सारी दुनिया रोने लगी। बापू हमारे जग के सितारे, छोड़ चले हम इनके सहारे। जब बापू की आरती उठी तो सारी दुनिया रोने लगी। बापू हमारे जग के सितारे, छोड़ चले हम इनके सहारे। बहुत सुंदर। अब एक और पीटी बीच में, आप पीटी के लिए आ जाएं। बात है नहीं, रहमान आए हैं आज, आ जा बड़े शाबाश। देखो इनको इसलिए बुलाते हैं हम क्योंकि एकदम हटके, एकदम नई अजीब और गरीब पीटी कराते हैं ये। आपने कभी कहीं देखी नहीं हो, कहीं सुनी ना हो ऐसी पीटी, कभी कभी पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, इसलिए इनसे ज़रूर पीटी कराते हैं एक आध हम। बहुत ही सुंदर, बहुत होशियार बच्चा है ये। चल कोई बात नहीं, जो करा वो करा दे। स्टार्ट। वेस्टर्न अटेंशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट सेवन पता है सिक्स प्रिया वर्षा दोनों फाइव फोर थ्री टू वन वेस्टर्न। बहुत सुंदर। इधर लुक एट मी भैया जी, वेस्टर्न रेंसन देखिए, आप आए नहीं, आप बात करेंगे तो आपको ही पहले बुला लिया जाएगा यहाँ पर। ये देखो शांत खड़े रहे हैं। अब फिर से एक गाना हो जाए तो मैं बुलाना चाहूँगा न्यू एडमिट बच्ची प्रिया फ्रॉम ठिरिया ठाकुरान। प्रिया आई हैं, चाहें तो अपनी साथी को ले लो साथ में, अगर अकेले डर लगता हो तो। आ जा वर्षा, आ जा बेटे।
देखिए नया एडमिशन हुआ है बच्ची का, और इसका हौसला देखिए, फिर भी मंच पर आने को तैयार है। वैसे तो कभी भी नई जगह कोई जाता है तो सभी के सामने जाते हुए एक अंदर से हवा सा बैठ जाता है दिल में, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे आते हैं एकदम निडर होकर बेझिझक बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड। थोड़ा माइक के पास में आ जाओ बेटे। माई नेम इज प्रिया। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप पे रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी ये दीवानी की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल पे बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, आचल तेरा रहीमा वो रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुस्न सहारत दे दे, मंजूर हमें है जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप पे रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सुंदर आवाज में बच्ची ने ये देशभक्ति गीत सुनाया, पहली दफा इस मंच पे सुनने गाया, नया एडमिशन है इसलिए आप हौसले को देखिए, जज्बे को देखिए, मत देखिए कि बच्ची के अंदर थोड़ा डर सा था उसकी आवाज़ में, लेकिन फिर भी उसने पूरा गाना बहुत ही अच्छे तरीके से गाया। एक बार फिर से जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। अब फिर एक पीटी और फिर एक कविता या कोई चुटकुला आपके सामने तैयार है, आप पीटी करने के लिए आ जाएं। सपना, स्टूडेंट ऑफ एट्थ क्लास सपना मौर्य, बहुत ही अच्छी बच्ची है, पढ़ने में भी अच्छी है, आज्ञाकारी है और बहुत सुंदर पीटी आपको कराएंगी। सारे बच्चे लाइन सीधे रखें अपनी अपनी। आगे बोलो, माइक पे बोला करो बेटे। हाँ, रेस्टन अटेंशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, रेस्टन अटेंशन। बहुत सुंदर। अच्छा महक आई है, महक महक आई है आज, बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए ये छोटी सी बच्ची और नाम इसका जैसा है,
वैसा ही इसका गुण है इसके अंदर। ये महक है, कितनी फुर्ती से देखो मंच पे आ रही है। अब बहुत सुंदर पोएम आपको सुनाएंगे, ये बहुत ही अच्छी आवाज़ में, एकदम कोकला की आवाज़ है इनकी। रुको एक सेकंड, जोर से सुनाना। अच्छा बेटे पहले नाम बता दो अपना। महक गंगवार। बहुत सुंदर, महक गंगवार, समझ में आ रहा है आपको? सुनाओ। चू 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 चा चा खली पे चूहा नाचा, जब खली ने एक बचाया चूहा चलपट नीचे आया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक और, एक और, बहुत सुंदर, एक और, एक और, बहुत बढ़िया। जानी जानी एक पापा ईटिंग चूका, नो पापा टेलिंग नाइट, नो पापा ओपन योर माउथ, हा हा। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी सुंदर आवाज़ में इसने, और बिल्कुल चेहरे पे जरा सा भी डर नहीं है, देखिए आप, जरा सा भी डर नहीं है बच्चे के चेहरे पे, एकदम मस्त, एकदम बहुत अच्छी बढ़िया परफॉर्मेंस करी इसने, बहुत सुंदर। और एक आध, अब नहीं अगली बार है, बहुत सुंदर, जाओ। अच्छा कोई और है इसकी टक्कर का? छोटे बच्चों को इसकी टक्कर लेगा, बताओ। मीनाक्षी हैं, मीनाक्षी आई हैं, मीनाक्षी किधर गई, नज़र नहीं आ रही मीनाक्षी, छोटी वाली मीनाक्षी, सब मीनाक्षी बात नहीं कर रहे हैं हम, नहीं है आज, आज आई नहीं है लग रहा है। चलिए कोई नहीं, एक पीटी करा देते हैं तब तक। अब पीटी करने के लिए आ जाएं पीहू, पीहू शर्मा, ये बहुत ही अच्छी बच्ची है, आज्ञाकारी, पढ़ने में तेज, रोज़ स्कूल आने वाली बच्ची, और बहुत सुंदर पीटी भी ये कराएंगी आपके लिए। बताओ जोर से बोलना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज पीयूष शर्मा, माय फादर नेम मिस्टर विजय कुमार शर्मा, माय मदर नेम मिसेस गुडी शर्मा, आई रीडिंग क्लास 7th, आई विश टू बी डॉक्टर इन माय लाइफ। एक मिनट, एक मिनट, पीटी रेस्ट एंड अटेंशन, 1 2 3 4 5। रुको, सबके हाथ बराबर, कंधों के पैरेलल एकदम, आमने सामने, ऐसे नहीं, ऐसे ऊंचे नीचे कर लेते चिड़िया पंख की तरह, बिल्कुल ऐसे, कोई ऐसे तो कोई ऐसे, कोई ऐसे, ऐसे एकदम सीधे, शाबाश, आगे बढ़ो। 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 रेस्ट एंड अटेंशन। बहुत सुंदर। अब देखिए, अब हमारे बीच आ रही है चांदनी, चांदनी नाम है ना, आइए आइए, देखिए इनका जोड़ा है चांदनी और रिफा, ये दोनों एक ही क्लास की बच्चियां हैं, और दोनों बच्चियां शामिल में यानी साथ में आपके सामने अपनी परफॉर्म करेंगी बहुत ही सुंदर आवाज़ में। आगे आ जाओ बेटे, हाँ तेज आवाज़ में बोलना, अच्छा एक साथ बोलना, थोड़े और आगे बढ़ो। माय नेम इज चांदना। ए इंट्रोडक्शन एक एक करके दोगे, एक साथ तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। पहले आप दो रिफा। माय नेम इज रिफा। माय नेम इज चांदनी। क्लास फर्स्ट। दोनों फर्स्ट में हो, बहुत सुंदर, सुनाओ। चब्बी चेस, डिंपल चेस, रोजी लिप्स, टीथ विद इन, कर्ली हेयर, वेरी फेयर, आईज आर ब्लू, लवली टू, टीचर पैट, इज एट यू, यस यस सर। बहुत सुंदर, देखो इन्होंने इंग्लिश की पोयम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत की। इधर रखें प्यारे बच्चों, बात नहीं, देखिए प्यारे बच्चों, ये सब पता है क्यों हो पा रहा है आपको, पता है ये क्यों हो पा रहा है सब, कैसे पता है? मैं बताता हूँ ये क्यों हो पा रहा है। देखो
ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये जो यहाँ पर सब बच्चे सुनाते हैं, करके दिखाते हैं, ये हर जगह नहीं हो पाता है, क्योंकि हर जगह इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जब सुविधाएं होती हैं तो व्यक्ति कुछ भी कर पाने में सक्षम हो जाता है। मैम जी, इधर बच्चे बातें कर रहे हैं, जरा इनको इधर पकड़ के लाओ मेरे पास, जो बातें कर रहे हैं। देखिए बच्चे या कोई भी व्यक्ति सही, उसके बाद जब सुविधाएं होती हैं, जब फैसिलिटीज बढ़िया होती हैं, तब कोई भी काम कुछ भी चीज़ कर पाने में सक्षम हो पाता है। अब हमारे पास सुविधाएं नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे, बताओ? कर पाएंगे बढ़िया? नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए, आपके लिए इस माइक की सुविधा की गई है, और सबसे पहली बात, इतने बड़े से बढ़िया से मंच की व्यवस्था की गई है। अगर मान लो एक सीट हम डाल लेते या तखट डाल लेते, उस पर वो बात नहीं आती जो इस मंच से आ रही है। तो प्यारे बच्चों, कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो हमारे पास ये सब कुछ करने के लिए बहुत कुछ है। बड़ा सा मंच है, ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है, बड़ी सी लैब है, ये सब आपको कंप्यूटर सिखाने के लिए, ये सब वीडियोज़ को एडिटिंग करने के लिए, बनाने के लिए, बढ़िया करने के लिए, अपलोड करने के लिए सारी सुविधाएँ हैं। कंप्यूटर के दो दो फैकल्टीज़ हैं, और आपको पढ़ाने के लिए एक से एक बढ़कर फैकल्टी है, जिससे कि आपको अच्छा यहाँ से ज्ञान मिल सके, अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सके। बड़े बड़े कमरे पढ़ने के लिए हैं, बड़े बड़े बोर्ड भी हैं, सब सारी व्यवस्थाएँ, दो दो नल हैं, इतनी सारी टॉयलेट्स हैं, समझ रहे हैं ना? वरना कहीं कहीं तो एक दो ही होती हैं, लाइन लगी रहती है बच्चों की, यहाँ लाइन नहीं लगती। तो ये सब सुविधाएँ केवल और केवल आपके लिए की गई हैं, जिससे कि आपको अच्छा माहौल मिल सके, अच्छा परिवेश में आप रह सकें, समझ रहे हो? अच्छे टीचर से आप अपनी जो ज्ञान है उसको बढ़ा सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। ये सब केवल आपके लिए किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, रोज़ स्कूल नहीं आएंगे, छुट्टियां ज़्यादा करेंगे या कम संख्या में आएंगे, तो बताओ इतना सब खर्च करने का, इतना सब व्यवस्थाएँ करने का क्या लाभ हो सकता है? कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। कर तो आपके लिए रहे हम लोग। तो प्यारे बच्चों, इसका लाभ उठाइए, ज़्यादा ज़्यादा संख्या में आइए। और जो बच्चे बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, तो उनको आप बताइए, स्कूल की सुविधाओं के बारे में बताइए, यहाँ की पढ़ाई के बारे में बताइए। और जो बच्चे हैं जो बेचारे नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए एडमिशन के लिए आप उत्साहित कीजिए, प्रेरित कीजिए, पढ़ने के लिए उत्साहिए, जिससे कि उनको भी थोड़ी नॉलेज प्राप्त हो जाए, कुछ पढ़ लिख जाएँ, बड़े होकर आपको कहीं ना कहीं दुआ देंगे, या कहीं सफल हो जाते हैं तो हो सकता है आपको उसका कोई सम्मान भी दें कि भाई इन व्यक्ति ने, इन सहेली ने, इन दोस्त ने हमें पढ़ाई के लिए उकसाया और आज हम सफल हो गए भाई ज़िंदगी में, समझ गए ना? देखो कभी कभी क्या होता है, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। तो अगर आप किसी को थोड़ा सहारा दे देंगे, किसी को कुछ बता देंगे स्कूल के बारे में, किसी के पढ़ाई के बारे में उसको उत्साहित कर देंगे, प्रेरित कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, उसमें कुछ चार चांद लग जाएंगे, कुछ रोशनी हो जाएगी, उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें आपका भी सहयोग रहेगा, ईश्वर भी देख रहा है कि आपने किसी के कल्याण के लिए, किसी की भलाई के लिए कुछ किया, तो बदले में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये भी कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, है ना? जैसा हम करेंगे वैसा हमें वापस मैं सूद ब्याज की मिलता है, समझ गए ना? अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगी साथ में, आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके लिए बुराई मिलेगी विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित मिलती है हर चीज़। और यहाँ तो बहुत कम ब्याज चलता है, लेकिन उसकी किताब में, उसके जो खाता है वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, ब्याज पे ब्याज बढ़ता चला जाता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? इसलिए जितना आप बढ़िया कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, दूसरों की भलाई कर सकते हैं, दूसरों के लिए पढ़ाई के लिए उत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर सकते हैं, उतना ही आपको वैसा ही प्रतिफल मिलने वाला है आने वाले टाइम में। बात समझ रहे हो ना? इसलिए पहले अपना भला करो, साथ में दूसरे का भी भला करो। खुद तो पढ़ रहे हो, दूसरा बेचारा घूम रहा है, उससे नहीं कह रहा भाई तू भी चल पढ़ ले भैया, अरे उससे भी कहो भाई, वो भी पढ़ लेगा थोड़ा बहुत, है कि नहीं? और यहाँ तो इतनी सुविधा है, मान लो अगर फीस नहीं है तो 6 महीने जमा करनी है, टेंशन फ्री, 6 महीने तक पढ़ो, 6 महीने में कहीं ना कहीं व्यवस्था हो ही जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र है, फसल कटती है 6 महीने में, तब दे दो आप फसल बेच बाच के, कोई दिक्कत नहीं। इधर धानों की फसल होती है तब दे दो, उधर गेहूं की फसल कटती है तब दे दो, दिक्कत काहे की है? वैसे तो आप जाओगे शहर में,
आपको पता नहीं है अप टू डेट फीस जमा होती है, 15 तारीख की डेट है तो 15 को जमा हो जानी चाहिए, वरना घर पे मैसेज पहुंच जाता है भैया फीस लेट हो गई, अगर 20 के बाद करी तो पेनल्टी पड़ जाएगी आप पे, और पड़ती है, और ऐसी सुविधाएं भी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे स्कूलों से पढ़कर आए हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए हैं, उनका जब टेस्ट लिया गया यहाँ पर तो उनको कुछ नहीं आता है और बहुत पैसा बर्बाद करके आए, आता कुछ नहीं है, और फीस यहाँ से ज़्यादा, और टाइम पे हर महीने, और यहाँ महीने महीने के महीने भी नहीं मांगते हैं, तब भी बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, फीस भी कम है, उसमें भी कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं और वहाँ खाली पढ़ाई, ऊपर से आने जाने का खर्चा अलग, और हर तीसरे चौथे एक्टिविटी, आज ये एक्टिविटी होगी, आज ये डे है ये लेके आना, आज रोज़ डे है कि गुलाब लेके आना, आज खिचड़ी डे है कि चावल लेके आना, ये सब चलता रहता है वहाँ पर। हकीकत बात है, अब बच्चा पूरे समय यही करता रहेगा तो बताओ पढ़ेगा कब, होता नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत सही जगह पर आए हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को संवारिए और दूसरों की ज़िंदगी को भी संवारिए, अपने साथ साथ दूसरों का भला करने का प्रयास कीजिए, समझ गए प्यारे बच्चों। तो इसलिए कतई छुट्टी नहीं, और देखो एक चीज़ और है, जिस काम में निरंतरता बनी रहती है ना, पंक्चुअलिटी बनी रहती है, रेगुलरिटी बनी रहती है, तो वही व्यक्ति सफल होता है और उसी को कुछ आता है। आप एक दिन पढ़ने आ जाओ, एक हफ्ते पढ़ने आ जाओ, एक महीने गोल हो जाओ, एक हफ्ते आप कितना ही पढ़ लो सब भूल जाओगे, बेकार हो जाएगा। मान लो आज आप नहीं आए, कल आए, अब आज क्या पता हम आपको क्या पढ़ा दें, बढ़िया बात, कौन सा चैप्टर पढ़ा दें, कौन सा सवाल करा दें, कौन सा सेंटेंस करा दें, कौन सा रूल पढ़ा दें, आप उससे वंचित रह गए नहीं रह गए, आपकी पढ़ाई में कमी हो गई, आप आओगे तो आपकी पढ़ाई में प्लस हो जाएगा, कितनी अच्छी बात है आपको। इसलिए रोज़ आना चाहिए, कतई छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, नए बच्चे बताएंगे जो नए एडमिट हुए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तक बुक्स नहीं आई हैं, इनकी किताबें नहीं आई अभी तक, ऐसे कितने बच्चे हैं, हाथ ऊपर करें जरा। केवल एक बच्ची आज की किताब, ये दो हैं, तुम्हारी नहीं आई अभी तक, तुम तो पुराने ही हो, तुम्हें तो आ जानी चाहिए अब तक। चलिए बहुत खुशी की बात है, केवल दो बच्चे हैं जिनकी किताबें नहीं हैं। बेटे आप लोग भी कोशिश करो जल्दी से किताबें ले लो, जैसे कि आप भी सभी के साथ साथ पढ़ सको, समझ गए प्यारे बच्चों। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा, और मैं आग्रह करता हूँ अपने मैनेजर सर से कि आप मंच पर आएँ और बच्चों के लिए कुछ संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया, मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे सर, इंग्लिश के एक्सपर्ट सर महेंद्र कुमार राजपूत जी का, और प्यारे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात के लिए सुनेंगे, अगर सभी बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई चाहिए, सबसे पहले अगर आपको बेहतरीन पढ़ाई चाहिए नंबर एक, नंबर टू अगर आपको काबिल टीचर से पढ़ाई चाहिए, नंबर थ्री अगर आपको ऐसी पढ़ाई चाहिए कि टीचर जो है आपको खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और हंसा हंसा के पढ़ा रहे हैं, बहुत ही जॉयफुली पढ़ा रहे हैं, पूरे पूरे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई चाहिए, अगर आपके लिए जो है ऐसी पढ़ाई चाहिए कि आप जो है आने वाले समय में आप नौकरी पर जा सकें, आप कामयाब बन सकें, तो आपके लिए सिर्फ एक ही स्कूल सुनहरा मौका देता है जिसका नाम है आरपी पब्लिक स्कूल। और यहाँ से जितने भी बच्चे पढ़े हैं, जिन्होंने दिल लगाकर पढ़ाई की, वो सब के सब कामयाब हो गए, और जो बच्चे किसी न किसी तरीके से बहक गए या उन पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनमें थोड़ा सा बदलाव आ गया उनके मम्मी पापा में, और जो यहाँ से चले गए उनका अथा नुकसान हुआ, हालांकि बाद में फिर लौट के आए, तो इसीलिए प्यारे बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी छुट्टी मत करिए, ये आपका नसीब है और आपके लिए ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने, माता रानी ने भेजा है कि जाओ आरपी पब्लिक स्कूल में जाके पढ़ लो काबिल टीचर से और अपना नसीब बना लो, इसलिए बिल्कुल छुट्टी मत करिए। और देखिए मैं आपके लिए सभी टीचर्स का यहां पर यह दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में कितने कितने काबिल टीचर हैं और कितने कितने पढ़े लिखे हैं, तो देखिए एक एक बहुत संक्षेप में सभी टीचर्स को मैं बुलाना चाहूंगा और सभी अपना नाम बताएंगे और क्वालिफिकेशन बताएंगे, तो ऑल द टीचर्स कम ऑन द स्टेज।
सबसे पहले चलो मैं बता देता हूँ कितना पढ़ा लिखा हूँ। वैसे तो सभी बच्चों को मालूम ही है कि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, और सभी बच्चों को मालूम है कि मैंने एमए इंग्लिश से किया है, इसके बाद में एमए हिस्ट्री से किया, इसके बाद में बीएड पास किया, और तमाम बार मैं आईएएस के एग्ज़ाम में बैठा, लेकिन सही मार्गदर्शन की वजह से कहीं ना कहीं चूक हो गई। लेकिन वो चूक आपके साथ नहीं होगी, मैं तो आईएएस ऑफिसर किसी चूक की वजह से नहीं बन पाया, लेकिन आप अवश्य बनेंगे। इसके बाद मैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, डबल एमए बीएड, और आपके लिए इंग्लिश कितनी मेहनत से कितनी शिद्दत से पढ़ाते हैं इस बात के गवाह बच्चे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि महेंद्र सर से कि वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और सभी टीचर्स क्विकली कम ऑन द स्टेज। देखिए प्यारे बच्चों, बस बस आप मुझे रोज़ सुनते हैं मंच पर भी और क्लास में भी सुनते हैं, सबको मेरा नाम पता है, फिर भी यहाँ पर श्रृंखला चल रही है इंट्रोडक्शन की। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं महेंद्र राजपूत, एम ए इंग्लिश, और मैं भी इस विद्यालय में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और कैसे पढ़ाता हूँ ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं। और हमारे यहाँ के सारे टीचर बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं, शिद्दत से पढ़ाते हैं, लगन से पढ़ाते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों आपको भी बड़ी शिद्दत और लगन के साथ विद्या अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। थैंक यू। अरे एक करके आप बताते जाओ। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं एमएससी केमिस्ट्री से हूँ, बीएड भी मेरा हो रखा है, और मैं केमिस्ट्री और मैथ भी पढ़ाता हूँ। सुंदर, चलो बढ़ते जाओ करके सर, आशिक सर जाओ, है तो जाने ही आकर। मेरा नाम आशिक अली है, मैं ओल्ड सिटी से आता हूँ, और मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी प्लस बीएड, सीटेट, डीएलएड, परसिंग चल रहा है, जो मैंने अभी, क्योंकि अभी देखते हुए कोर्ट के फैसले को मैंने डिसीजन लिया था कि मैं क्यों ना जॉब के लिए अप्लाई करने की वजह, जैसे भी कोर्ट का आदेश होगा तो उसको माना जाएगा, तो इसी को देखते हुए मैंने डीएलएड भी स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी में आपको कोई भी डाउट होता है बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा के बताता हूँ, जो आप बुक की लैंग्वेज में पढ़ते पढ़ते या रटते रटते आपको कभी भी याद नहीं होगा, और ये मेरी गारंटी है, मेरा पढ़ा हुआ आपको दो बार में कम से कम 75-70% याद हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं यहीं लोकल से आता हूँ, और बीएससी मैथमेटिक्स हूँ और मैथ ही पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार और मैं बीकॉम एलएलबी किए हुए हूँ, और यहाँ सन 2009 से फिजिक्स और मैथ पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हरिवंश शर्मा है और मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ और डीएलएड भी है, तो यहाँ पर मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ट्वेल्थ बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ पढ़ाता हूँ। आप यहाँ पर अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप डेमो भी ले सकते हैं, एक दो दिन आकर के देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं, तब आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, ये पता भी चल जाएगा कि कैसे मैथ पढ़ाते हैं और कितने अच्छी तरीके से आपको मैथ पढ़ने को मिलेगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम राखी यादव है और मैंने एमए हिंदी कर रखा है, और मैं डीएलएड भी पास हूँ, मैंने सीटेट भी क्लियर कर रखा है, और इस विद्यालय में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, और अगर आपको अच्छी पढ़ाई चाहिए तो आपको आरपी पब्लिक आना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं कर्मचारी नगर से आती हूँ, मैं यहाँ पर सीनियर क्लास में हिंदी पढ़ाती हूँ, और जहाँ भी मेरा लेक्चर हिंदी का लगता है मैं वहाँ भी जाती हूँ पढ़ाने के लिए, और मैं छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग गाकर, नाचकर, जैसा समय मांगता है, जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ। मैं बड़ी क्लास में भी गाकर पढ़ाने का पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ, और मैंने
डबल एमए किया हुआ है, एमए हिंदी और एजुकेशन। मैंने यूपी टेट, सी टेट और डीएलएड क्लियर किया हुआ है और मैं काफ़ी समय से यहाँ पढ़ा रही हूँ। अगर आपको अच्छी पढ़ाई चाहिए और आप नहीं चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद हो, आपका एक एक पल उपयोग हो, तो आपको हमारे आरपी पब्लिक स्कूल में आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग माई टीचर्स। मेरा नाम रचना कश्यप है, मैं जोगीठेर से आती हूँ, क्षेत्र से ही। आई एम ग्रेजुएट इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ और पूरा प्रयास करती हूँ बच्चों को समझाने का, उन्हें सेटिस्फाइड करने का। आपसे रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा फील्ड चाहिए, तो आपको आरपी पब्लिक स्कूल में आना पड़ेगा। बहुत बहुत वेलकम है आपका आरपी पब्लिक स्कूल में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मेरा नाम शीतल गंगवार है, मैं इसी क्षेत्र के प्रेमपुर गौटिया से आती हूँ और मैं एमए सोशोलॉजी से हूँ। मैं यहाँ पे सोशोलॉजी पढ़ाती हूँ। मेरा मानना है अगर आप लोगों को, सारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई चाहिए, तो आरपी पब्लिक स्कूल में ही एडमिशन कराना होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रियंका गंगवार, मैं प्रेमपुर गौटिया से आती हूँ और एमए सोशोलॉजी है। अगर आपको हमसे और हमारे स्टाफ से मिलना है, तो आरपी पब्लिक स्कूल में आना ही पड़ेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टीचर, मेरा नाम अदिति पाठक है, मैं खड़ा हुआ सीबीगंज से आती हूँ और मैं बीएससी कर रही हूँ अभी, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है छोटे बच्चों को पढ़ाना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, लव यू, मेरा नाम रजनी राजपूत है और मैं यहाँ पे आल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम शिखा राठौर है और मैं इसी क्षेत्र के जोगीठेर ग्राम से आती हूँ। और अगर आपको भी बेस्ट पढ़ाई चाहिए, तो आप आरपी पब्लिक स्कूल में आइए और यहाँ सभी का वेलकम है। आइए, डेमो लीजिए और यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए आकर कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम श्वेता है और मैं खड़ौवा सीबीगंज से आती हूँ। मैं यहाँ कंप्यूटर की टीचर हूँ। जिस भी बच्चे को अगर कोचिंग भी करनी है, तो भी आरपी पब्लिक स्कूल में आ सकता है। थैंक यू सो मच। चलिए एक बार सारे टीचर्स के लिए जोरदार तालियां। बस कीप क्वाइट। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सेकेंड देखिए भैया जी, देखिए मौसम भी चाहता है कि मैं एक मिनट और ले लूं, ठंडा हो गया ना। बहुत अच्छी बात है, हवा भी चल गई, मौसम सुहावना हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, अभी सारे बच्चों ने इधर सर ये बातें कर रहे हैं बच्चे, देखिए सारे बच्चों ने भी हमारे सारे जो स्टाफ है, पूरी फैकल्टी और इस विद्यालय की, सभी का परिचय लिया, सभी का परिचय जाना, इंट्रोडक्शन लिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कितने टीचर्स इंट्रोडक्शन देने के लिए आए थे और इतने टीचर के बाद भी अभी हमारे यहाँ 3 एब्सेंट हैं, आज किसी कारण से नहीं आ पाए बेचारे, वरना यहाँ पर 20-21 की संख्या है। किसी क्षेत्र में, किसी विद्यालय में इतने टीचर का स्टाफ नहीं है जितना हमारे यहाँ है। आप देखते हो कि 2-3 टीचर वहाँ बैठ के केवल और केवल वर्क करते हैं बैठ के। अगर बाई चांस कोई एब्सेंट है, तो क्लास खाली ना जाए, क्लास में पढ़ाया जा सके, आपकी पढ़ाई हो सके, इसलिए यहाँ पर स्टाफ की जो संख्या है वो भरपूर रखी गई है। आज 2-3 काम है, वरना पूरे 21 हो जाते, आज पूरा मंच भर जाता। समझ रहे हैं आप लोग, इतनी सुविधाएं, इतनी फैकल्टीज और इतना अच्छा माहौल, इतनी बड़ी बिल्डिंग, केवल और केवल इस क्षेत्र के, क्या जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है और जहां तक इस मंच की आवाज़ पहुंच रही है, सभी के लिए इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो
अंत में मैं सबसे हाँ एक मैम अभी और इंट्रोडक्शन के लिए रह गई हैं, वो शायद एडमिशन कर रही वहाँ पर। अच्छा दो मैम रह गई हैं अभी, तो मेरा निवेदन है कि आप दोनों मैम प्लीज़ कम टू दी मंच, आई मीन स्टेज, मंच पर आ जाएं और अपना परिचय दे। जोरदार तालियों से स्वागत। अभी हमारे बीच नीमा मैम और मिस विनीता मैम दोनों लोग रह गई हैं परिचय के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मंच पर आ जाएं और सारे बच्चों को अपना परिचय दें। दो लोग रहने के बाद भी तीन और बच्चे हैं अभी इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन उनका फिर कभी कराएंगे, आज वो अनुपस्थित हैं किसी वजह से, तो उनका दोबारा कभी आप परिचय आपसे कराएंगे। हमारे बीच दो अध्यापिकाएँ और हैं और आपका भी परिचय हो जाना चाहिए। लगे हाथ आइए मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। ऊँचा नहीं जाता नहीं ऊँचा तो नहीं। अच्छा गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विनीता प्रजापति है, मैं जोगी ठेर में रहती हूँ और हिंदी पढ़ाती हूँ। तीन बच्चे हैं, ये तीन बच्चे बिल्कुल एक लय में ताली बजाते हैं बहुत मस्त होकर। ऐसी ताली अगर बजें तो लगेगा हाँ ताली अच्छी बज रही है। बैठा दें। चलिए अब मुझे पता है कि अब आपके बैठने की जो बेसब्री है उसका बांध टूटने ही वाला है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा रोकूंगा नहीं, बैठा दूंगा अभी। तो आप आज की जो बातें हुई हैं उन सबका ध्यान रखेंगे और मैं क्षेत्र में अपने विद्यालय का प्रचार प्रसार करेंगे, बच्चों को बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।